जीएस नॉलेज विद आगास। आज की स्टूडियो हम देखने वाले हैं भैया क्लास 11 सिविक्स चैप्टर 2 नागरिक शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया हो। हालांकि इसका पार्ट फर्स्ट जो है अपलोड कर दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। हालांकि ठीक है, मैं कुछ बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूंगा। बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूंगा का मतलब क्या है कि नागरिक शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के संबंध में चैप्टर नंबर 2 है, इसमें बताया गया कि भैया नागरिक शास्त्र जो है अन्य समाज विज्ञानों से कैसे संबंध रखता है। कैसे, जैसे कोई इंसान है, कोई मनुष्य है, कोई आदमी है, इसके पॉलिटिकल जीवन से संबंधित है, इसके आर्थिक जीवन से, इसके सामाजिक जीवन से, इसके जो है मनोवैज्ञानिक या एथिक्स, मनोवैज्ञानिक नहीं कहेंगे, जो है इसे क्या कहेंगे आप, एथिकल या नैतिक से संबंधित है ना, इसके ऐतिहासिक जीवन से, इसके ज्योग्राफी यानी कि भौगोलिक जीवन से, इसके मनोवैज्ञानिक जीवन से, तो इन सब चीज़ों से ही आदमी घिरा हुआ होता है ना, इन सब चीज़ों से ही, इन सब विषयों से, इन सब विषयों के क्षेत्र से एक आदमी, एक मनुष्य घिरा हुआ होता है। कैसे घिरा हुआ होता है, ये इन सब सब्जेक्ट के माध्यम से बताया गया, जैसे कि नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र का संबंध बताया गया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का जो है उत्पत्ति के आधार पे जो इनके शब्दों का अर्थ है वो एक ही है। राजनीति शास्त्र भी जो है क्या करता है, नागरिक के जीवन का अध्ययन करता है, नागरिक शास्त्र भी क्या करता है, नागरिक के जीवन का अध्ययन करता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र और इतिहास की बात होगी, तो आइए, ये सारी चीज़ें हो गई हैं ठीक है। इस सारी चीज़ें मतलब ये शब्द की उत्पत्ति के आधार पर दोनों का अर्थ, दोनों का अर्थ का मतलब नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र का दोनों का अर्थ बात हो रही है यहाँ पे। नागरिक शास्त्र की राजनीति शास्त्र पर निर्भरता की बात हो गई है, राजनीति शास्त्र की नागरिक शास्त्र पर निर्भरता की बात हो गई है, समान अध्ययन विषय के आधार पर बात हो गई कि दोनों एक हैं, नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर पर भी बहस बात हो चुकी है। आपको पहले ये बताया गया कि दोनों सब एक हैं, कैसे कैसे एक हैं, किन किन आधारों पर एक ही हैं, फिर ये बताया गया कि भैया इन सब चीज़ों के होते हुए अंतर भी है, कुछ डिफरेंस भी है। अब आज के इस वीडियो में आपको जानकारी किस चीज़ की मिलेगी, जानकारी का मतलब आगे क्या मिलेगा, नागरिक शास्त्र और इतिहास का संबंध ठीक है, क्या होगा, नागरिक शास्त्र और इतिहास का संबंध के बारे में पता चलेगा। क्या कहता है आपका सब्जेक्ट, आपका भैया इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है ठीक है। इतिहास क्या करता है भैया, आपके भूतकाल के जीवन में जो कुछ घटनाएं, आपके यहाँ पे आपके का मतलब या समाज का मतलब क्या है कि भैया जो पीढ़ी बीत चुकी है ना, यानी कि एक मानव जीवन का जो इतिहास है, बैकग्राउंड है, जो पास्ट है, जो भूतकाल में चीज़ें घटित हुई हैं, उनका क्या करता है, लेखा जोखा करता है। कौन करता है, इतिहास करता है। और क्या करता है मतलब, और जो है नागरिक शास्त्र क्या करता है, नागरिक शास्त्र क्या करता है कि भैया नागरिक जीवन का अध्ययन करता है ठीक है। आगे देखेंगे कैसे कैसे करता है कि भैया नागरिक क्या कुछ करता है, सीधा सीधा है ना, उनके जीवन पे कौन सी पहलू, कौन से आस्पेक्ट हैं जो उनके जीवन पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं ना, तो इन दोनों विषयों का आपसी पारस्परिक संबंध है। कैसे संबंध है, इन तरीकों से संबंध है, निम्न रूपों से संबंध है। तो सबसे पहले हेडिंग आती है कि नागरिक शास्त्र इतिहास पर निर्भर है, इस चीज़ को प्रूफ किया गया है यहाँ पर ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया है, नागरिक शास्त्र जो है इतिहास पर ही निर्भर करता है। ये कैसे निर्भर करता है, ये ऐसे निर्भर करता है इन तरीकों से। क्या कहा जा रहा है कि नागरिक शास्त्र ना केवल वर्तमान समय के नागरिक जीवन बल्कि भूतकाल के नागरिक जीवन का भी अध्ययन करता है। याद रखिएगा, नागरिक शास्त्र क्या कह रहा है कि वर्तमान समय के नागरिक का जीवन ही नहीं बल्कि भूतकाल, जैसे ही भूतकाल आया इसका मतलब इतिहास ठीक है, इतिहास की बात आ गई। तो नागरिक शास्त्र क्या करता है, वर्तमान के साथ साथ इतिहास में
या ऐतिहासिक काल में या पीछे बीते हुए समय में एक नागरिक का जीवन कैसा था, इस बात का अध्ययन करता है ना नागरिक शास्त्र। तो इस आधार पे हम निश्चित रूप से जो है कह सकते हैं कि इतिहास क्या है, या इतिहास की सहायता से हम क्या करते हैं, एक खोज करते हैं, एक सर्च करते हैं कि भैया नागरिक का जो है जीवन होता था वो हमारे इतिहास काल में कैसा होता था। ठीक है, ऐतिहासिक काल में कैसा होता था। तो एक तरह से जो है आप देखेंगे कि नागरिक शास्त्र क्या है, इतिहास जो है नागरिक शास्त्र का एक क्या है, प्रयोगशाला है, है ना। वहाँ पे प्रयोग जो है हो चुके हैं, तो उनको देखा जाता है कि भैया क्या नियम कायदे कानून कौन सी व्यवस्था थी और कैसे जो है ख़त्म हुई, उनके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, है ना, नागरिक शास्त्र के द्वारा और इतिहास के माध्यम से। तो इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो नागरिक और राजनीतिक जीवन की संस्थाएँ जिनका अध्ययन नागरिक शास्त्र के द्वारा किया जाता है ना, एक विशेष समय पर निर्मित ना होकर विकास का परिणाम होती हैं और उन्हें पूर्णतया समझने के लिए इतिहास के आधार पर उसके विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। समझ में आ रही बातें आपको, यानी कि जो नागरिक होता है उससे संबंधित तमाम प्रकार की संस्थाएँ होती हैं। अब संस्थाएँ कौन सी होती हैं, आपको मैं वर्तमान में अगर बात करूँ, प्रेजेंट टाइम में बात करूँ, तो वर्तमान में नागरिक से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएँ हैं, जैसे कि लोकसभा है, जैसे कि राज्यसभा है, जैसे कि विधानसभा है, जैसे कि विधान परिषद है, जैसे कि नीति आयोग या योजना आयोग है, जैसे कि जो है विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, ठीक है, NGOs हैं। तो ये सब क्या है, संस्थाएँ तो ही हैं, एक मनुष्य के जीवन से संबंधित तो ही है भैया ये, और क्या हैं, ठीक है, तो यही क्या है, संस्थाएँ। तो क्या ये सारी संस्थाएं ऐतिहासिक काल में रही होंगी, अगर रही होंगी या थीं तो उनका क्या प्रभाव था, कैसे नियम कायदे कानून बनते थे, ये सारी चीज़ें पता करता है नागरिक शास्त्र। क्यों पता करता, क्योंकि भैया नागरिक शास्त्र ही एक ऐसा विषय है जो कि नागरिकों से संबंधित अध्ययन करता है। तो नागरिक शास्त्र में क्या होता है, जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका भी अपना एक इतिहास होता है, और इस इतिहास से परिचित हुए बिना ना तो इन समस्याओं को ठीक रूप से समझा जा सकता है और ना ही हल किया जा सकता है। वास्तव में वर्तमान कालीन नागरिक और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और भविष्य के लिए आदर्श व्यवस्था का चित्रण ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर किया जा सकता है। अब आपको मैं यहाँ पर इस पूरे के पूरे का जो है अगर मैं की पॉइंट्स बताऊं कि भैया इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको पता गया चला, तो सीधे सीधे आपको मैं ये बताऊं कि जो कुछ भी नागरिक जीवन में उसकी जो घटनाएं हुई, उसके से एक नागरिक से संबंधित जो कुछ भी घटनाएं उसके जीवन काल में हुई हैं, उन सब घटनाओं का जो है आकलन करके, ठीक है, उन घटनाओं का आकलन करके हम ये पता कर सकते हैं इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जब ये हमें पता चल जाएगा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, तो उसी के आधार पर हम आज का जीवन या आज के जो है मनुष्य का जीवन, आज के नागरिक का जीवन बेहतर बनाने में जो है सहयोग कर सकते हैं ना, एक अच्छा सा अच्छा जो हम आदर्शवाद की बात करते हैं उसे हम स्थापित कर सकते हैं, या स्थापना के समय एक अहम भूमिका निभा सकते हैं इन आधारों पर। समझ में आ रही बातें आपको, सीधा सीधा यार कुछ नहीं है, नागरिक शास्त्र इतिहास पर निर्भर है। इसका मतलब यही है कि भैया नागरिक शास्त्र क्या करता है कि इतिहास में या ऐतिहासिक काल में या हमारे भूतकाल में हमारे पीछे के जीवन में जो भी नागरिक से संबंधित घटनाएं हुई हैं उनका अवलोकन करके उसका क्या परिणाम हुआ है उसको समझकर अब ऐसी घटनाएं ना हों, उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, यही क्या करता है नागरिक शास्त्र, चरितार्थ करता है। ठीक है, चरितार्थ करता है मतलब यही चीज़ें रेगुलेट करता है, यही चीज़ें मतलब कहता है, बनाता है कि भैया ऐसा कुछ हो कि अब वही घटनाएं दोबारा ना हों।
ठीक है, आगे देखते हैं। अभी आपने देखा कि नागरिक शास्त्र और इतिहास में क्या संबंध देखा, कि भैया जो नागरिक शास्त्र है, जो है नागरिक शास्त्र क्या है, इतिहास पर निर्भर है, ये पहली हेडिंग थी ना, तो किस तरीके से निर्भर ये आपने देख लिया। अब अगली हेडिंग क्या आती है, नागरिक शास्त्र और इतिहास के अंतर्गत ही अगली हेडिंग क्या आती है कि इतिहास नागरिक जीवन की प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक है। अभी मैंने आपको बताया, कैसे बताया, कैसे पथ प्रदर्शक है, कैसे प्रयोगशाला है ना, आइए और भी हम डिफाइन करते हैं और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मानवीय इतिहास में विभिन्न समयों पर नागरिक और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए, जिनके परिणाम और सफलता असफलता के विवरण इतिहास से प्राप्त होते हैं। नागरिक और राजनीतिक क्षेत्र के ये भूतकालीन प्रयोग भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन से इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति के आधार पर अकबर ने एक विशाल और सुदृढ़ समाज की स्थापना की थी, लेकिन औरंगजेब द्वारा अपनाई गई धार्मिक पक्षपात की नीति का परिणाम यह हुआ कि विशाल मुगल साम्राज्य पतन की ओर गया। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इतिहास के ज्ञान का पूरा लाभ उठाते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा संघात्मक शासन के होते हुए भी शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था को अपनाया। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं। मैं अभी आपको इसको डिफाइन करके और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आप पढ़िए केवल। इसी प्रकार 20वीं सदी के भारतीय इतिहास के अध्ययन से सांप्रदायिकता के कुपरिणाम, ठीक है, कुपरिणाम नितांत स्पष्ट हो जाते हैं और वे हमें बताते हैं या चेतावनी देते हैं कि भैया सांप्रदायिकता, जातीयता और क्षेत्रीयता की भावनाएं राष्ट्रीय हित के लिए बहुत अधिक घातक हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक आधार पर वर्तमान राजनीतिक जीवन में सुधार करते हुए भविष्य के लिए इतिहास निश्चित किया जा सकता है। अब मैं बताता हूँ, अभी आपको बताया ना मैं कि भैया इतिहास के आधार पर वर्तमान की कल्पना की जा सकती है, तो कैसे की जा सकती है। अभी मैंने बताया कि जो एक मनुष्य है, एक जो है नागरिक है, उसके उसके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, उनके घटनाओं को अवलोकन करके, सर्च विसर्च करके, एनालिसिस करके, विश्लेषण करके, फिर एक नियम कायदे कानून ऐसे बनाए जाएं कि जो कि उसका इम्पैक्ट सकारात्मक हो ना कि नकारात्मक हो। अब देखिए, मनुष्य था या नागरिक था, उसके उसके जो है ऐतिहासिक पीरियड में क्या गलत चीज़ें हुई ना, तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया जा रहा है कि जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, इतिहास के आधार पर ही क्या हुआ, इतिहास के ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य, अच्छा यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भैया, पंथ निरपेक्ष होगा, ये ध्यान रखिएगा आप, सॉरी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष होगा ना कि धर्म निरपेक्ष। धर्म से निरपेक्ष हो नहीं सकता कोई, ठीक है, पंथ से निरपेक्ष हो सकता है। आप कहेंगे भैया धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष क्या है, कैसे है, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा डीपली में। अभी आप केवल ये समझिए, धर्म निरपेक्ष नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता संघात्मक शासन के होते हुए भी शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था को अपनाया है। पहले क्या होता था, यानी कि मनुष्य क्या था, विखंडित था ना, विखंडित था, सांप्रदायिकवाद था। अब पहले की मतलब, पहले की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा एशियन पीरियड में, इसका मतलब ये समझिएगा कि मेडिवल टाइम में जितनी भी गलत धारणाएं, गलत चीज़ें हुई हैं, जातिवादता, सांप्रदायिकता, ठीक है, और जितनी भी कुरीतियाँ श्रुतियाँ जो कुछ भी हुई हैं हमारे इतिहास पीरियड में, सब मेडिवल में हुई हैं, हालांकि एशियंट में भी हुई हैं ऋग्वैदिक काल के बाद से, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है, वर्णवाद और ये जातिवाद, अस्पृश्यता, ये सारी छुआछूत की बीमारी उमारी जो कुछ हुई है, सती प्रथा रुथा ऋग्वेद के बाद हुई, हालांकि उसके पहले कुछ नियम कायदे कानून अच्छे थे वैदिक पीरियड में, तो मैं इतिहास में जा नहीं रहा हूँ। आप केवल ये समझिए कि मनुष्य था, एक नागरिक था, उससे संबंधित घटनाएँ हुई और इन्हीं घटनाओं को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए हमारे संविधान के निर्माताओं ने, हमारे संविधान के जो है लेखकों ने ना, विद्वानों ने, उन्होंने ये समझा कि भैया हमें अपना जो राज्य है, अपना जो देश है, उसे पंथ निरपेक्ष बनाना है, संघात्मक शासन लाना है, और इन सब चीज़ों को लाने के बावजूद भी केंद्र को
हावी कर देना है, केंद्र को हावी कर देना मतलब केंद्र की जो है प्रभुत्व रहना चाहिए राज्यों पे, नहीं तो क्या होगा, वही जो है अखंड भारत खंड खंड वाली धारणा हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है, और सांप्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्रीयता की भावना ये राष्ट्रीय हित के लिए बहुत घातक होती है, ऐसा सब चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि जो इतिहास है वह वर्तमान का निर्धारक होता है, ठीक है, या भविष्य का निर्धारक होता है, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है इतिहास। अब देखिए, अभी नागरिक शास्त्र इतिहास पर निर्भर था, अब इतिहास क्या हो गया, नागरिक शास्त्र पर निर्भर हो गया। हर तरीके से हम निचोड़ डालेंगे, घबराइएगा मत। तो दूसरी अगर हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र की, तो नागरिक शास्त्र भी इतिहास के आधार रूप में कार्य करता है। हमारा आज का व्यवहार नागरिक शास्त्र के नियमों से प्रभावित होता है, और नागरिकों द्वारा प्रकार यानी कि कई प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वहीं आगे चलकर इतिहास बन जाता है। देश के उज्ज्वल इतिहास के निर्माणकर्ता आदर्श नागरिक ही हो सकते हैं। यदि नागरिक शास्त्र देश के नागरिकों को कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करने की दिशा में सफल होता है, तो अवश्य ही उस देश का इतिहास स्वर्णिम होता है। ठीक है, इतिहास क्या होता है, स्वर्णिम होता है। इसका आधार कौन है, नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र ही क्यों आधार है, क्योंकि नागरिक शास्त्र ही एक आदर्श नागरिक जीवन की व्यवस्था करता है, और उस आदर्श नागरिक जीवन की व्यवस्था करने में राजनीति क्या करती है, अहम भूमिका निभाती है। हालांकि जो है नागरिक शास्त्र क्या करता है, आदर्शवाद की बात तो करता है, बट उसका आधार क्या होगा, उसके इंस्टीट्यूशन कौन होंगे, संस्थाएं कौन होंगी, इन सब संस्थाओं, इन सब जो है विभागों की जो बात करता है ना, वो सब किस में जाते हैं, राजनीति शास्त्र में जाते हैं। ठीक है, जिन आधारों पे चल कर, जिन कॉन्सेप्ट पे चल के हम एक आदर्श नागरिक जीवन को अपनाएंगे, उसकी बात कौन करता है, राजनीति शास्त्र करता है। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि भैया इतिहास नागरिक शास्त्र से अध्ययन सामग्री भी प्राप्त करता है। इतिहास क्या करता है, नागरिक शास्त्र से अध्ययन सामग्री भी प्राप्त करता है। कैसे करता है, मनुष्य और समाज का पारस्परिक संबंध होता है। किसका, मनुष्य और समाज का पारस्परिक संबंध होता है। ये बात मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, जब नागरिक शास्त्र की फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा रहा था, फर्स्ट पैराग्राफ में ही। ठीक है, 6.4K गया यार, व्यूज़ अमेजिंग है, 6.4 या 4,500 के आसपास जो है व्यूज़ गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस तरीके से प्यार बनाए रहिए, रखिएगा, और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, इनोवेशन कर कर के, कुछ नया कर कर के ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मनुष्य और समाज का पारस्परिक संबंध, मनुष्य की सामाजिक स्थिति, अधिकारों का उपयोग और कर्तव्य का पालन, ऐसी बातें हैं जिनके प्रति कोई भी इतिहासकार उदासीन नहीं रह सकता है ना। अभी आपको क्या बताया जा रहा है कि इतिहास नागरिक शास्त्र से क्या करता है, अध्ययन सामग्री प्राप्त करता है। कैसे, मनुष्य और समाज का एक दूसरे से रिलेशन होता है, मनुष्य की सामाजिक स्थिति है ना, अधिकारों का उपभोग और कर्तव्यों का पालन, जिनके प्रति कोई भी इतिहासकार उदासीन नहीं रह सकता है। वर्तमान समय में तो इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है कि इतिहास में युद्धों के वर्णन की अपेक्षा नागरिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के वर्णन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। नागरिक शास्त्र और इतिहास के घनिष्ठ संबंध को लक्ष्य करते हुए सीले ने कहा है कि नागरिक शास्त्र इतिहास का फल है और इतिहास इस शास्त्र की जड़ है। इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को याद रखिएगा, सीले ने क्या कहा है, नागरिक शास्त्र क्या है, इतिहास का ही फल है और इतिहास इस शास्त्र की जड़ है। इसमें बहुत ही गहराई है। तो हम यह कह सकते हैं, जैसे कि आप व्युत्क्रमानुपाती सुना होगा फिजिक्स में ना, तो एक तरफ हिस्ट्री है, एक तरफ सिविक्स है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि हिस्ट्री की जो वजूद है वो सिविक्स की वजह से है, सिविक्स जो है वो हिस्ट्री की वजह से है ना। तो जो इतिहास क्या होता है, अभी मैं आपको बताया कि इतिहास क्या होता है,
कि भैया इसी सिविक्स का ही क्या है, फल है, इसी आदर्श, जैसा कि आदर्श जीवन होगा यानी कि जैसा नागरिक होगा वैसी उसकी जीवन होगी, उसकी वैसी जीवन गाथा होगी, और जैसी उसकी जीवन गाथा होगी वैसी उसके घटनाएं होंगी, घटनाक्रम होंगे, जैसे घटनाक्रम होंगे वही बाद के जो है घटना में या बाद के समय में क्या बन जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे, ठीक है। और जैसा इतिहास होगा वैसा ही क्या होगा आगे चलकर कॉन्सेप्ट होंगे ना, आगे चलकर कॉन्सेप्ट होंगे मतलब सकारात्मक नकारात्मक, जैसा कि अभी आपने आगे देखा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक चीजें कट टू क्लियर, 110% क्लियर होंगी। अगर नहीं क्लियर होंगी भाई आप कमेंट करिएगा, आपके एक कमेंट से ही मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पर्टिकुलर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। चलिए फटाफट जो है ख़त्म कर देते हैं ये जो है सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा अलग अलग सब्जेक्ट का। तो नागरिक शास्त्र और इतिहास का संबंध आगे चलते हैं। नागरिक शास्त्र और इतिहास में अंतर की बात अब कर लेते हैं ना। नागरिक शास्त्र और इतिहास के घनिष्ठ पारस्परिक संबंध होते हुए भी इन दोनों विषयों में निम्न प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं। पहला अंतर हम देख सकते हैं क्षेत्र के हिसाब से या क्षेत्र के दायरे में क्या होता है कि नागरिक शास्त्र मनुष्य के नागरिक जीवन तथा नागरिक और राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन करता है, लेकिन इतिहास का क्षेत्र नागरिक शास्त्र की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक है। इतिहास भूतकालीन जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नागरिक और सामाजिक सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। नागरिक शास्त्र का विषय क्षेत्र गतिशील है तथा इतिहास का विषय क्षेत्र व्यापक है। समझ में आ गई बातें आपको कि क्षेत्र के हिसाब से अगर हम देखें तो नागरिक शास्त्र क्या करता है, मनुष्य के नागरिक जीवन तथा नागरिक और राजनीतिक संस्थाओं से ही संबंधित बातें करता, उन्हीं पर विश्लेषण करता, उन्हीं का अध्ययन करता है। बट इतिहास क्या करता है कि भैया इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो चाहे राजनीतिक हों या जो है नागरिक शास्त्र से संबंधित हों, आर्थिक हो, धार्मिक हो, शैक्षणिक हो, हर एक पहलू पर बात करता है इतिहास, ठीक है। तो इतिहास का क्षेत्र व्यापक है, उसका अध्ययन क्षेत्र व्यापक है और नागरिक शास्त्र का कम है, ठीक है। अध्ययन पद्धतियों का अंतर है, अध्ययन पद्धतियों के आधार पर इनका अंतर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इतिहास की पद्धति क्या है, वर्णनात्मक है ना, वर्णन किए जाते हैं उसमें, लेकिन नागरिक शास्त्र की पद्धति क्या है, मुख्यतः पर्यवेक्षणात्मक है और आदर्शनात्मक है। पर्यवेक्षणात्मक है का मतलब पर्यवेक्षण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है ना, ऐसा नहीं केवल बताया जाता है। इतिहास में क्या होता है, कहानियाँ होती हैं। वर्णात्मक का मतलब क्या हो गया, कहानियाँ हुआ करती थी कि भैया एक राजा था, एक रानी थी, एक समय था, एक शासन था, वहाँ की व्यवस्था ये थी, मतलब एक कहानी बताया जाता है, एक स्टेटमेंट टाइप में होता है ना। बट पर्यवेक्षण में क्या होता है, भैया एनालिसिस किया जाता है, ऐसा क्यों था, कैसे था, ये सारी चीज़ें, आदर्शवाद की बात किया जाता है किसमें, नागरिक शास्त्र में। अगर हम उद्देश्य के अंतर के आधार पर बात करें तो इतिहास घटनाओं का यथाक्रम वर्णन करता है और भविष्य में क्या होना चाहिए इस बात से संबंध नहीं रखता। इसके विपरीत नागरिक शास्त्र भूत और वर्तमानकालीन अवस्था के साथ साथ भविष्य में क्या होना चाहिए इस बात का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार इतिहास एक यथार्थवादी विज्ञान और नागरिक शास्त्र आदर्शवादी विज्ञान है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, एकदम कट टू क्लियर। अब आगे जो आपका वीडियो आने वाला है वो किसका है भैया, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, छोटा छोटा करके जो है हम टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे ताकि बढ़िया से अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। बाकी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को इनोवेटिव जीएस नॉलेज के नाम से। क्यों ज्वाइन करें, पीडीएफ पाने के लिए, अभी पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी आप ज्वाइन करिए या ना करिए पीडीएफ अभी नहीं मिलेगा जब तक पूरा का पूरा दूसरा वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है। और अगर आप सर्च करते हैं इनोवेटिव जीएस नॉलेज तो इस तरीके का आपका लोगो, मतलब आपको लोगो देखने को मिल जाएगा जैसा कि यूट्यूब का लोगो है। अब हमारी वेबसाइट है www.newcurrentarticle.blogspot.com, सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर भी एजुकेशन से रिलेटेड सामग्रियाँ प्रदान की जाती हैं, ठीक है, एक एस्पिरेंट एक स्टूडेंट के लिए। और ये सारी चीज़ें कर दिया करिए भैया, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, मोटिवेशन मिलता है और हम आगे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।